फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना प्रीवियस पार्ट से पहले कुछ, बस यही। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं दिल के टुकड़े। और चलिए अब प्रीवियस पार्ट देखते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी जिया होती है वो बहुत कुछ बोल चुकी होती है तान्या को, और तान्या ने भी वो चीज़ों को जो उनको गलतफहमी होती है वो क्लियर किया होता है। आप देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। तो हमारी जिया जो होती हैं वो सुबह सुबह उठ के कपड़े चेंज कर रही होती हैं, तो हमारी तान्या की नींद खुलती है और उनका नज़र जिया के कपड़े चेंज करते हुए बैक साइड से उनके बॉडी पे जाता है। तो ये सी चीज़ें देख के उनको थोड़ा तो अच्छा लगता है। फिर बोलती है जिया तुम वॉशरूम में चेंज नहीं कर सकती, सुबह सुबह पता नहीं क्या दिखा रहे हो। तो कहती हैं कि तुम देख, फिर हमारी जिया कहती है कि तुम देख क्यों रही हो, आँखें बंद कर लो। तो हाँ किया है ना, वो कपड़े पहन के फिर वापस आती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक हो। तो कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे जी। तो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। बट जैसे ही तान्या बेड से उतर के जा रही होती है, कहती हैं मैं अपने रूम में जाती हूँ ना, तो कहती हैं कि वैसे तो मेरे रूम में कर क्या रही थी। तो वो बताती हैं कि मनु और ऐसा आए हुए हैं, तो उन दोनों को वो रूम दिया था तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। तो कहती हैं अच्छा वो दोनों मतलब, बट वो बिना बताया अचानक से ऐसे कैसे? तो कहते पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, उन लोग बोले कि बहुत लेट हो गया, मैं सुबह बताएंगे सारी बातें। तो कहते हैं कि ओके। तो जस्ट वो जाने वाली होती हैं, जिया उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि जो तुमने कल रात कहा वो सच है ना, झूठ तो नहीं? तो ये चीज़ सुन के तान्या शॉक्ड हो जाती हैं। उनको लगता था कि वो तान्या से की हुई बात रात की उनको याद नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो सारी बातें हमारी जिया को याद होती हैं और जब कहती हैं कि मुझे लगा वो भूल गए होंगे वो, क्योंकि नशे की बात थी और ये अभी, तो कहते हैं कि नहीं मैं अपनी चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलती, जो मुझे ज़्यादा पसंद हो या मेरे करीब जो चीज़ हो। तो कहती हैं कि ओके। देन कहते हैं हाथ छोड़ो, तो कहते हैं कि क्यों? तो कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर वो छोड़ देती हैं और वो ताने चली जाती हैं। फिर वो जाती हैं जिया के लिए नाश्ता बनाती है किचन में थोड़ा बहुत कुछ, और सबको मतलब देती हैं, मतलब इधर दीप और मनु भी चक चुरे सॉरी मनु और जो ऐसा होती है वो भी जग चुके होते हैं। तो आते हैं दोनों, बैठते हैं हॉल में। तो ये लोग पूछती हैं हमारी जिया कि तुम दोनों यहाँ कैसे? तो वो बताती हैं कि ऐसा बताती हैं सारा जो भी बात हुई रहती है घर पे, उनकी घर वालों से लड़ाई और बात सबको पता चल जाना, फिर इधर ऐसा की शादी, सब कुछ वो बताती हैं जिया को। तो कहती हैं कि फिर आगे क्या करना है? तो कहती हैं कि बस यही करना है कि ये सेटल करा दो यार, तो जॉब अप स्टार्ट करवा दो यार, लाइफ में हम भी सेटल होना चाहते हैं और हम मनु के बिना रह नहीं सकती। तो कहती हैं कि ठीक है मैं कुछ देखती हूँ। फिर जब वहाँ से ऐसा चली जाती है दीप को तरह सॉरी चिटिया, फिर मनु की तरफ देखती हैं और जो ऐसा होती है वो चली जाती हैं।
आता है नैंग के पास, मतलब जो किचन में हेल्प कराने के लिए। और फिर इधर हमारी जो जिया होती है वो मनु से पूछती है कि हाँ बेटा ये कितने दिनों से चल रहा है। तो कहती हैं कि उसी वक्त से जब तू कॉलेज में थी और हम भी कॉलेज में थे, और तू तो पढ़ाई पे ध्यान देने लगी थी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, तो हम कैसे बता दें, ऊपर से तू ऑलरेडी परेशान थी, तो ये बता के तेरा दिल ना दुखे इसलिए ये सब चीज़ें मतलब नहीं बताया। तो कहती हैं कि फिर अभी तू सीरियस है उसके लिए? तो कहती है कि हाँ यार सीरियस हो, तभी तो घर छोड़ के यहाँ तक आई हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है फिर मैं कुछ देखती हूँ फिर बताती हूँ। तो फिर वो जो मन्नू होती है वो पूछती है कि तुम दोनों का कुछ हुआ, तुमने बात की तान्या से? तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगती हैं जब ये सवाल हमारी मन्नू पर पूछती हैं जी ऐसे। तो कहते हैं कि वो मैं क्या, तो कहते हैं ये मैं वो क्या मत बोल, सीधे सीधे बात बता। तो कहती हैं कि हाँ मैंने कल ही रात में बोला था, और मैंने यार मैंने उस पर झूठ में शक किया, पता नहीं मैंने उसको नशे में क्या क्या बोला होगा, थोड़ी चीज़ें तो मुझे याद हैं थोड़ी चीज़ें नहीं भी, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो सच में ऐसा बोला था या सिर्फ मेरा मन रखने के लिए। तो वो बताती है रात की बात है, तो कहते हैं यार पागल है, भाभी हो हमारी है वो, तुझे बिना पसंद करते कैसे ऐसे मना कर सकती है यार, तुम किसी और के बातों में आ गए, तुम भाभी के साथ ऐसा कर रही थी। कहती हैं हमारी मनो, तो कहती है यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है, तुझे तो पता है फैमिली में भी मेरे को सही नहीं है, जो मेरे लोग में मेरी लाइफ में जो लोग आते हैं वो भी सही नहीं होते, बट तान्या ऐसे नहीं है, तान्या के लिए मैंने कितना वेट किया है, कितना वो किया है, तो तुझे तो पता है। तो कहती कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने रिश्ते पे अपने पैर पे ट्रस्ट करना सीख ले। तो कहती है कि हाँ चल अभी तो सब ठीक है। तब तक उनके दरवाजे पे एक डोरबेल बजती है, उस दरवाजे खोलने के लिए जाती हैं, तान्या जा रही होती है, तो कहती है जी कि तुम कहने दो मैं जा रही हूँ। तो जाती हैं दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे पर शिल्पा होती है, और शिल्पा जिया को देख कर घर पे थोड़ा सा शॉक्ड होती है, जो कि जो उसको उम्मीद नहीं होती है वो हुआ होता है। तो कहती हैं कि तुम, तो कहती हैं कि मुझे लगा कि वीडियो देखने के बाद चली जाओगे तुम या जिया, तुम तान्या को निकाल दोगे घर से तुम। तो कहते हैं कि हमेशा जो तू सोच रही हो ना वो तो होगा नहीं, और एक सेकेंड तुमसे कोई लेना देना नहीं है तान्या का, वो मुझे पता चल गया, और तुमने जो आधा सच दिखाया था मैंने कल पूरा सच देखा है, तो ये मत सोचना कि अब तान्या तुम्हारी हो सकती है, उसमें कोई चांस नहीं है, वो मुझे प्यार करती है और मुझसे ही करेगी। तो कहते हैं देखते हैं, वक्त बदलता रहता है। तो कहती हैं कि देखते हैं, तो पूछती है हमारी तान्या की कौन है, तो वो बोलती हैं कि शिल्पा, तो वो बुलाती हैं शिल्पा को अंदर बड़े प्यार से, बट हमारे जिया को अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी सी उनको जल रही होती है, मतलब यार जेलसी तो ऑब्वियसली, अगर आपको पता हो कि सामने वाला पसंद करता है आपके प्यार को तो और ज़्यादा जलती है। तो ये सब चीज़ें जो जिया के सामने होता है, बट वो तान्या से कह नहीं सकती कि तान्या तुम जिया शिल्पा से मत मिलो, क्योंकि वो जो जॉब साथ में ही कर रही होती हैं एक ही ऑफिस में, तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, और वो नहीं चाहती थी कि तान्या को कोई भी स्ट्रेस हो, क्योंकि उसने बहुत कुछ इतने टाइम में उसने बहुत कुछ देख लिया होता है, अब वो चाहती हैं कि थोड़ा सा तान्या रिलीफ पाए, खुश रहे, क्योंकि उसकी फैमिली में भी वही कंडीशन होता है। फिर खैर ये जो हमारी तान्या होती हैं जिया को बैठाती हैं, और सब चार पांचों लोग बैठ के नाश्ता करते हैं, और तो जिया कहती है कि हाँ तान्या थोड़ा घर कल जल आज जल्दी आ जाना, मैं भी जल्दी आ जाऊँगी, तो शिल्पा को थोड़ा सा जेलस फील कराने के लिए। तो
कहती हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और ये चीज़ हमारी जो जिया कर रही होती है, तान्या समझ तो रही होती हैं, मगर उन ये उनको क्लियर नहीं होता है कि ये जिया जान बच के कर रही हैं। फिर जो ऐसा होता है कि ये शिल्पा नाश्ता करके चली जाती है उनके कमरे से, और जो हमारे मनु और दीप होते हैं, ना सॉरी मनु और ऐसा होती है, वो दोनों लोग रहते हैं घर पे। तो जो कि इनकी बातचीत होती है जो भी क्लियर हो गया होता है, तो फिर अब बारी आती है तान्या की। तान्या ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने ये कदम उठा लिया, और तो सारी बातें समझाते हैं उसको और कहते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आया कि हम लोग क्या करें, इसलिए हम लोग घर से भाग गए। और पता है ना थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को सेटल करने में, तो मैं वही सोच रही थी कि थोड़ा सा वक्त लेते हैं और हम सब कुछ सेटल करने के बाद घर वालों को भी थोड़ा सा अब हो जाएगा कि हम लोग वो नहीं हैं, बिना सोचे समझे अपने लाइफ को नहीं जी रहे हैं। हाँ, तो ये बात हो जाती है। और इधर जो होता है कि हमारी जो जिया होती हैं वो अपने थाने, अरे थानेदार नहीं है, तो वो अपने थाने पहुंचती हैं और वहाँ पे जाके फ़ोन लगाती हैं एक होटल में, और वहाँ पे डेकोरेशन करने को बोलती हैं। डेकोरेशन ऐसा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सॉफ्ट चीज़ें को के साथ, मतलब होते हैं ना जो दिल को पसंद है, तो वो बताती हैं, डेकोरेशन बताती हैं। और जो कि हमारी तान्या को लिलीज बहुत पसंद होते हैं, तो उससे वो क्लियर मतलब पूरा ही चीज़ सजा के फिर वो छोटे छोटे जगहों पे कैंडल्स और रोज़ के पेटल्स रखवाती हैं, और एक गिफ्ट साथ में रखती हैं। और वो गिफ्ट काफ़ी वक्त से उन्होंने तान्या के लिए ख़रीदा होता है, मौका उनको अब मिला होता है वो गिफ्ट लेने का। तो और उनको एक डेट के लिए एक डिनर टेबल बुक कराती हैं, और वो फिर लास्ट में तान्या को फ़ोन करती हैं। तो फ़ोन करती हैं तान्या को, तो तान्या फ़ोन पिक करती हैं और कहती हैं हाँ हेलो। कहती हैं कि तान्या एक काम करना, जब तुम निकलना तो मेरे को एक बार फ़ोन कर देना। तो कहती हैं कि क्यों क्या हुआ, तो कहती हैं कि कुछ नहीं बस कर देना। तो वो निकलते वक्त फ़ोन जब शाम डलती है तो वो लगाती हैं, तो उनको एक जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो पिक करने आता है उनको, वो होटल छोड़ता है। वो होटल में जाती हैं और देखती हैं वो कमरे को बड़े प्यार से सजाया हुआ है, क्योंकि वो डेकोरेशन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। मतलब अभी थोड़े अंधेरे में टिमटिमाती मतलब जलती हुई टिम जो दिए होते हैं वो इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि उनका ध्यान बस उनको देखने में ही चला जाता है। देखने के बाद वहाँ पे एक नोट्स जो छोड़ी रहती हैं, कहती हैं कि तुम जो लेफ्ट साइड बेड है उधर एक गिफ्ट है उसको खोलो एरो को फॉलो करते हुए। तो वो देखती हैं कि रोज़ से एरो बने हुए होते हैं, तो फॉलो करते हुए वो जो लेफ़्ट साइड ड्रॉज होता है उसको खोलती हैं, उसमें एक गिफ्ट होता है बड़ा सा, निकालती हैं और कहती हैं कि ये क्यों, कहती कि खोलो उसको। तो जो खोलती हैं उसमें एक वेस्टर्न ड्रेस होता है, और वेस्टर्न ड्रेस मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, शॉर्ट ड्रेस होता है, और मेकअप वगैरह भी वहाँ पे रखवाई होती हैं। तो वो वही काजल और लिपस्टिक, हाथ में बैंगल्स और एक हील, ज़्यादा विदाउट मिलावटी, मतलब इतना ज़्यादा मेकअप ना करने के बाद भी हमारी तान्या बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। और उनका दिल खो जाए जिया का, इतनी तो लगी रही होती है खूबसूरत। तो वो जैसे ही पहन के तैयार हो जाती हैं, उनको लगता है समथिंग एक डेढ़ घंटे, फिर वो कहती हैं, फिर फ़ोन आता है डेढ़ घंटे के बाद
कहती हैं कि नीचे जाओ तुम्हें एक टैक्सी मिलेगी आ रहा। तो कहते हैं ठीक है, नीचे जाती हैं और टैक्सी बुक किया होता है तो उसमें बैठती हैं और वो जाती हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे एक जो होता है ना सजावट जो होती है, जो बलून से हुई होती है, ब्लू और वाइट से डेकोरेशन हुई होती है और लाइट्स लगी होती हैं टेबल के साइड साइड से, और वो बैठती हैं और देखती हैं कि उनके सारे फेवरेट फूड्स मंगाए हुए हैं, और कहती हैं कि इतना सारा सब कुछ तो क्या हम डेट पे आए हैं। तो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ कौन डेट पे जाएगा, ऐसे छेड़ती हैं हमारी तान्या को जिया। तो कहती है ऑफ कोर्स यार, हम डेट पे आए हैं और क्योंकि मैंने कल रात में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तो वो इतना बोल के चुप हो जाती है, कहती है कि कोई नहीं कोई बात नहीं, तो आप कब तक आ रहे हो। तो कहती हैं कि जाने मन बस आंखें बंद करो और हम हाजिर हो जाएंगे। तो वो आंखें तो बंद तो कर लेती है, काउंटिंग करती है 10 तक, क्योंकि बोली होती हैं जिया, काउंटिंग कर लेती हैं। और जब आंखें खोलती हैं तो एक प्यारी सी रिंग वो ले के नी डाउन करके बैठी होती हैं जिया, और कहती हैं कि बोलती हैं तान्या, मैं खुद से अपने जान से अपने जहान से सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद किया है तो वो तुम्हें किया है, क्या तुम मेरी। तो कहती हैं कि हाँ मैं, क्या तुम्हारी। तो कहती हैं क्या तुम मेरी घर वाली बनोगी। तो कहती हैं क्या। तो कहती हैं कि हाँ। तो अपना हाथ बढ़ाती हैं, वो रिंग पहनाती हैं जिया, और वो खड़ी होती हैं और जवाब का उनके वेट कर रही होती हैं। तो कहती हैं कि बिल्कुल ऑब्वियसली हाँ तो बोल ही दिया है, बट ऐसे कौन प्रपोज करता है, ऐसे कौन प्रपोज करता है। तो कहती हैं कि मैं क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे अब जो भी चाहिए ज़िंदगी साथ भर के लिए चाहिए, क्योंकि तुम और हमने बहुत वक्त गवा लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। ज़िंदगी में तो मैंने बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है। बट ये सब चीज़ें सुन के, इतना इमोशनल लाइन सुन के हमारी तानिया इमोशनल हो जाती हैं, और वो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिल जाए तो क्या बात है। तो वो गले लग जाती हैं जिया के, और वो इतने टाइम में फर्स्ट टाइम होता है जो जिया और तान्या अपने कन्फेशन के बाद एक दूसरे से प्यार से गले लगे हुए होते हैं। कुछ सेकंड कुछ मिनट ऐसे ही उन दोनों को लगता है और फिर वो अलग होते हैं। तो कहती हैं कि खाएं फिर, कुछ भूख लगी यार। तो कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो दोनों टेबल पे बैठते हैं। तो टेबल पे बैठने के बाद वो वेटर से बोलती हैं कि खाना सर्व करिए। तो कहती हैं कि नहीं, आप जाओ भैया। तो वो चली जाते हैं और कहती हैं कि मैं सर्व करूँगी, ठीक है। तो वो कहती हैं ओके जैसा आप कहो। तो वो सर्व करती हैं और दोनों को ही प्लेट में। तो खाना खाने के बाद जैसे कि थोड़ा सा म्यूज़िक हो जाए, तो कहती हैं कि ऑफ कोर्स। तो हल्के 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 जो म्यूज़िक आती है ना, सुकून दे जो रूह को, वैसे म्यूज़िक आ रही होती है और हमारी जिया और ताने एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे को, हाथ में हाथ लिए, जिया के कंधे पे तान्या का हाथ और जिया का हाथ तान्या के कमर पे। मतलब एक होता है ना कि एक सुकून होती है एक दूसरे के साथ रह के। वहाँ पे जो ऐसा होता है कि इनकी सुकून इनका चैन वो उस समय उस टाइम को फील कर रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी तान्या को सपने जैसा लग रहा होता है कि क्या सच में जिया ने ऐसा किया है मेरे लिए, क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही कि अभी आँख खुलेगी और सपना टूट जाएगा। तो
ये सोच रही होती हैं और वो जिया को देख रही होती हैं, तो कहती हैं कि डोंट वरी बेबी, सपना नहीं देख रही हो, हकीकत है। तो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? तो कहती हैं कि मुझे सब पता चल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या होता है, कुछ इन दोनों की लाइफ में कुछ चेंज होगा या नहीं भी, क्या ये एक दूसरे को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो स्टोरी कैसा लगा बताना, और हाँ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। और थैंक यू, गुड नाइट।